शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में शुक्रवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर शाहपुर प्रदीप शुक्ला ने अपनी तफ्तीश में जुट गए हैं। मृतक की पहचान बजरंगी सिंह पुत्र मनोहर सिंह शांगरिया जिला छालाबार राजस्थान और 32 वर्ष के रूप में हुई है, जो गोरखपुर के शाहपुर आवास विकास कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर OMI नाम से मार्केटिंग फर्म चलाता है। मिली जानकारी के अनुसार इसके कंपनी में एक युवती और 3 युवक काम करते थे, जिसमें से एक युवक मौत के बाद से फरार हो गया था। घर के कमरे से मिले युवक के शव में सिर में चोट के निशान और मुंह से खून निकल रहा था। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। थाना शाहपुर में एक राजस्थान का व्यक्ति यहाँ पे किराए पे रहता था और एक जो सेल्स मार्केटिंग का काम था वो करता था। उसकी मृत्यु हुई है सुबह 9 बजे। उसका जो पोस्टमार्टम वो कराया जा रहा है और उसमें चोट लगने से जो प्रथम दृष्टया लग रहा है चोट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें जो उसके बारे में और किस तरह से उसकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसका पता अभी हम जांच कर रहे हैं और जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये राजस्थान का रहने वाला था और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेल्स मार्केटिंग उसका ये कार्य करता था। हाँ, ये क्योंकि टीम होती है पूरी तो इसके नीचे भी कुछ 4-5 लोग काम करते थे तो वो भी साथ वहीं रहते थे। इसमें से कोई लड़का फरार भी है किस तरह नहीं है? अभी हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इनके साथ रहते थे, कितने लोगों के साथ काम किया और कौन कौन किसका पता एड्रेस वगैरह हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा।